तो चलिए हम लोग कुछ शुरू करते हैं। आप कहते हैं ना कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है, चलता है क्या? जानते हैं क्या लाइट कैसा चलता है, कैसा पाथ में चलता है? लाइट कैसा पाथ में चलता है भाई? ये पहचानते हैं? ये क्या है? लेजर है। लेजर क्या होता है? लाइट का सोर्स है ना, खास किस्म का उसका वेवलेंथ है, ये है वो है फेज है, तो उसके लाइट का सोर्स है ये। यहां से लाइट निकला, दिखाई पड़ रहा है? कहां पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है? यहां से चला है वहां पहुंचा है, कैसा रास्ता लिया है? कैसे मालूम? दिख रहा है? दिख रहा है क्या रास्ता? दिख रहा है क्या रास्ता? दिख रहा है क्या? मेरा टॉर्च से चल रहा है और वहां पे पहुंच रहा है, मेरा टॉर्च दिख रहा है? जहां पहुंच रहा है वो दिख रहा है? रास्ता दिख रहा है क्या? कैसे मालूम सीधा सीधा रेखा में जा रहा है, कैसे ऐसा टेढ़ा होके क्यों नहीं जा रहा है? अगर आपको कहीं जाना रहे, आपको कहीं जाना रहे, आप कहीं खड़े हुए हैं, खुला मैदान है बिल्कुल, कोई काटे वे कुछ नहीं है, कोई लेन में कुछ नहीं पता है, लेकिन अच्छा मैदान है, और आपको दूसरी तरफ जाना है, मैदान क्रॉस करके दूसरा साइड में बस स्टॉप है वो, वहां पे आपको जाना है पार्क को क्रॉस करके, आप कौन सा रास्ता लोगे? स्ट्रेट लाइन लोगे ना? ये लाइन बस अपने जैसा है, इसको भी जल्दी वाला रास्ता चाहिए, वो स्ट्रेट लाइन जो है वो जल्दी वाला रास्ता है, ठीक है? लेकिन पार्क में कीचर वीचर बना रहता है तो क्या अगर स्ट्रेट लाइन लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं ना। अगर खाली रास्ता है बिल्कुल एक जैसा तब तो स्ट्रेट लाइन लेते हैं, लेकिन अगर बीच में कादो कीचड़ घटरोड़ा पत्थर कांटा रहे तो हम लोग क्या करते हैं? बगल से लेते हैं, लंबा रास्ता लेते हैं। अगर वो लंबा रास्ता नहीं लेके रोड़ा पत्थर वाले रास्ते पर चलेंगे तो क्या होगा? पहुंच जाएंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, लगेगा ना। हम लोग टाइम बचाने का कोशिश करते हैं, उस पर भी चल सकते हैं, रोड़ा पत्थर वाले पर भी चल के वहां पहुंच, वो पांच छोटा भी होगा, लेकिन हमको मालूम है कि पांच छोटा तो है लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, हमें बड़ा संभल संभल करके एक एक बार ठीक से रखना पड़ेगा, और हम साइड से निकल जाएंगे तो फटाफट पहुंच जाएंगे। ये लाइट भी वैसे ही करता है, इसके रास्ते में अगर कुछ और आ जाता है जिसमें इसका स्पीड स्लो होने लगता है तो ये अपना स्ट्रेट लाइन का जो इसका रूल है उसको बदल देता है, कहता है ठीक है कोई बात नहीं, हम ऐसा रास्ते से चलेंगे ताकि सबसे मिनिमम टाइम में पहुंच सके, है ना। तो खैर ये तो हो गया, लेकिन ये बताओ वो अपनी जगह पर बात है, कैसे मालूम कि ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है यहां से यहां तक? रास्ता तो दिखाई पड़ता नहीं है अपने, तो रास्ता देखने का कोशिश करें। चलिए रास्ता देखने का कोशिश करते हैं। ये वाला लाइट बंद कर सकते हैं, रास्ता दिख रहा है क्या? दिखा क्या सर में? रास्ता दिख रहा है क्या? सीधा है कि टेढ़ा है? हाँ सीधा है। दिख रहा है क्या रास्ता? दिख रहा है क्या? दिखा कैसा है? स्ट्रेट है ना, सीधा रास्ता है, तो हम रास्ता भी देख सकते हैं, हवा में नहीं देख सकते। अब तो कैसे प्रश्न में से प्रश्न निकलता है? भगवत गीता का नाम सुने ना, कृष्ण क्या करते हैं? कुछ बतलाते हैं, और अर्जुन क्या करते हैं? सवाल का सवाल पूछते, एक सवाल का जवाब देंगे तो दूसरा सवाल ठोक देंगे, दूसरा सवाल का जवाब देंगे तो दूसरा सवाल ठोक देंगे,
जो जवाब देंगे उसी में से दूसरा सवाल उसका निकल करके आता है। तो वैसा ही यहाँ भी हम लोग करते हैं ये, ठीक है। वो एक सवाल का जवाब देने के लिए हम गए कि लाइट सरल रेखा में चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है कि नहीं चलता है, और हमने देख लिया इसका पाथ, देख लिया। दिख रहा है आपको? मुझे दिख रहा है, मैं वहां भी आ सकता हूँ अगर बोलोगे तो। पीछे दिख रहा है? नहीं, नहीं दिख रहा है। हम हमारे दिख रहा क्या? मेरे साइड से दिख रहा है, आपके साइड से दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। अब दिखा, दिखा क्या? स्ट्रेट लाइन है, सीधा रास्ता में है, है? दिख गया? दिख गया? दूर से क्यों नहीं दिखता है, नजदीक से क्यों दिखता है? हम वहां थे तो नहीं दिख रहा था, हम वहां पहुंच गए तो दिखने लग गया। ये दूर से क्यों नहीं दिखता है, नजदीक से क्यों दिखता है? सवाल उठा, उठा ना सवाल। विज्ञान का दर्शन करना है तो सवाल उठना चाहिए, सवाल उठना चाहिए, तभी अर्जुन को समझ में आता है कि धर्म क्या है और कर्म क्या है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर अर्जुन सवाल नहीं करता तो 18 अध्याय का भगवत गीता नहीं होता, और 18 अध्याय अगर वो सुनता नहीं, सवाल करता जवाब होता है, सवाल होता है जवाब होता है, वो 18 अध्याय अगर चलता नहीं, उतना सवाल जवाब चलता नहीं, तो कृष्ण को उतना समय भी नहीं लगता जितना उन्होंने बोला था, वो एक ही दिन में बोल के निकल गए। लेकिन अर्जुन को उनको उतना 18 अध्याय बुलवाया, और जब बुलवाया तो समझ में आया कि अच्छा क्या है, पूरा विराट रूप का दर्शन हो गया। तो अगर दर्शन करना है ना तो सवाल उसमें बहुत जरूरी है, और सवाल उठेगा, जरूर उठेगा, बहुत सवाल उठेंगे। वो क्यों नहीं, वहां से क्यों नहीं दिख रहा था, वहां चले गए क्यों दिखने लगे, हवा में क्यों नहीं दिख, क्यों नहीं रास्ता दिख रहा था, पानी में रास्ता क्यों दिखने लग गया, बोलो। टीचर्स एक्सटेंड कर सकते हैं सारा चीज को, ये अभी स्पॉट यहां पड़ रहा है और ये पानी में जाकर के भी वो उधर में स्पॉट पड़ेगा, तो इसमें आपका आंख में पहुंच रहा है रोशनी का, लाल रंग का रोशनी आपका आंख में पहुंच रहा है। मैं तो टॉर्च इधर मार रहा हूं, आप उधर बैठे हो, तो ये इधर जा रहा है कि उधर जा रहा है? मैं तो टॉर्च इधर मार रहा हूं ना, आप उधर बैठे हो, आपके आंख में रोशनी पहुंच रहा है, इसका मतलब ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है क्या? और इधर ही नहीं पहुंच रहा, इधर भी पहुंच रहा है, दोनों लोग देखते हो ना, इधर वाले भी देखते हो, इधर वाले भी देखते हो, देख रहे हो, दोनों लोग देख रहे हो, क्या होता है? स्कैटरिंग होता है, हवा में नहीं होता है, पानी में होता है। ये पानी साफ है क्या, दिख रहा है? साफ पानी है, गंदा पानी है ना, गंदा पानी में होता है, साफ पानी में भगवान को पाना है ना, तो कभी कभी गंदा में भी उतरना पड़ेगा, कभी कभी भैया गंदा में भी उतरना पड़ेगा। आप सोचोगे एकदम व्हाइट कलर रख करके भगवान का आराधना कर लेंगे तो वो नहीं होगा, साफ पानी में नहीं होगा, बढ़िया साफ बढ़िया हवा में नहीं होगा, उसके लिए आपको गंदा पानी करना पड़ेगा, साबुन डाल करके जो गंदा किया है। आप क्या सोचते हो कि जो यहाँ पे लाइट का इंटेंसिटी है और जो यहाँ लाइट का इंटेंसिटी है तो एक जैसा है कि घट रहा है बढ़ रहा है? घट रहा है, काय घट रहा है? आपकी आंख तक भी तो पहुंच रहा है, जितना आपकी आंख तक पहुंच रहा है उतना घट रहा है ना। एक छोटा सा चीज भी अगर लेंगे तो उसमें से हम बहुत सारे प्रश्न कर सकेंगे, और जो हमारे कणकण के अंदर में विज्ञान है उसको हम समझ सकेंगे। अब देखिए हवा में भी रास्ता करने का कोशिश करते हैं, हवा को भी थोड़ा गंदा करते हैं, जैसे पानी को गंदा किए ना, हवा को भी थोड़ा गंदा करते हैं। Thank you.
तो हवा में भी रास्ता दिखाई पड़ेगा। पढ़ रहा है? जा रहे स्ट्रेट लाइन पाथ ले रहे हैं। अब देखो ऊपर से हवा में से डालते हैं, पानी में डालते हैं, हवा से होकर पानी में डालते हैं। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? इस यहां से यहां पहुंचना था उसको, इधर से डाल के यहां पहुंचना है। स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं जा रहा है? बेट क्यों रहा है? तो टाइम कम करना है। किधर बेंड किया है? इस तरफ को बेंड किया है। पता कर सकते हो कि अगर स्ट्रेट जाता ऐसा जाता, ऐसा नहीं पाथ लेकर के ऐसा। मैं एक बार दिखा दूं, नजदीक से दिखा दूं आपको, देखना। हाँ, तस्वीर ऐसा ही पता करता है किताब में। किताब में क्या करते हैं? लाइन खींचते हैं, एक दो लाइन खींचते हैं, बीच में थोड़ा एंगल बना देते हैं। एक को बोलते हैं ये इंसिडेंट लाइट है, लाइन को लाइट बोलते हैं। किताब में क्या लाइन बनाते हैं ना, और बोलते हैं ये इंसिडेंट लाइट है। लाइन को क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। मूर्ति है, भगवान की मूर्ति है, भगवान की भगवान का मूर्ति है वो। यहाँ आपको हम देखे भगवान दिखा रहे, आपको लाइट दिखा रहे, ठीक है? बेंड होता हुआ दिख रहा है? किधर बेंड हो रहे हैं? किधर बेंड हो रहे हैं? जो थे बोलो, किधर बेंड हो रहा है भाई? जो से वो लोग बोलता है टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये लोग बोलता है अवे द नॉर्मल, ठीक है? चक्कर तुम लोग आप ठीक से बोलना बेटे, पर तुम लोग सोचता है बात बोल रहे हो बाहर देखे, बाहर दिखे बेंड होते, बाहर दिखे बेंड होते, ठीक है ना? अभिलोषक बाहर दिखे बेंड होते, पता ना भाई? बाहर दिखे अंदर दिखे, जोर से बोलो, अंदर दिखे बाहर दिखे, अंदर दिखे। उधर वाला लोग बोलता है बाहर दिखे, इधर वाला लोग बोलता है अंदर दिखे। मैं कभी 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 मैं ऐसे कर रहा हूं और कभी मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है? तो जब मैं ऐसे करता हूँ तो फिर वो बाहर दिखे बेंड होता है, और जब हम ऐसे करते हैं तो अंदर दिखे बेंड होता है। ये बेंड का देख करके आप बता सकते हो विच इज द इन विच पार्ट इन विच मीडियम एयर और वाटर लाइट इज गोइंग स्लोअर। क्या वो अपना किताब वाला नहीं करना? आपको मालूम है, बट फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, आपके पास ये नीचे में पानी है जल, और ऊपर में हवा। आपने ऊपर से ऐसे दिया था और ये अंदर की तरफ नॉर्मल की तरफ ऐसा बेंड हो गया, यहां पहुंच गया। यहां से चल करके अगर स्ट्रेट लाइन में चलता तो इसको ऐसे चलना चाहिए था, इसको ऐसा चलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं चला। यहां से चल के यहां पहुंचना है, अगर स्ट्रेट लाइन में चलता तो यू शुड हैव गॉन दिस वे, बट इट्स नॉट टेकिंग दिस पाथ, इट इज टेकिंग दिस पाथ ब्लैक वाला। ओके, लुकिंग एट दिस डायग्राम कैन यू कंक्लूड इन विच ऑफ द टू मीडियम लाइट इज फास्टर, इन विच इट इज स्लोअर? In the actual path taken, compare with the red one, is it going more distance in water or is it going less distance in water? Yes. And it's going more distance in air. So it is avoiding water.
right? If it goes straight, it has to cross this much of length in the water. But it is not doing that. It is taking only this much of length in water, right? Lesser length in water, and in air it is taking more distance. What does it mean? कीचड़ वाला रास्ता किधर है? रोड़ा पत्थर वाला रास्ता किधर है? पानी में है, उसको अवॉइड कर रहा है वो. हवा में ज्यादा जाने का कोशिश कर रहा है, पानी में कम जाने का कोशिश कर रहा है. यू कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर दैट द इट्स स्पीड इन वाटर इज स्लोअर. अभी तो पानी में कम जा रहा है, हवा में थोड़ा ज्यादा चल करके वहां पहुंचने का कोशिश कर रहा है. थोड़ा दर्शन हो रहा है क्या? थोड़ा दर्शन हो रहा है? आप तो पढ़ा था टेक्स्ट बुक में कि पानी में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, स्पीड इज लेस. लेकिन उस समय उसका दर्शन हुआ था क्या? वो सत्यनारायण भगवान का कथा पढ़े थे ना उस समय? तो कण कण में विज्ञान है, उसका दर्शन करिए, कर सकते हैं. उसके लिए बहुत ज्यादा तपस्या करने का जरूरत नहीं है. भगवान का दर्शन करने के लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है. विज्ञान का तपस्या करने के लिए, दर्शन करने के लिए उतना तपस्या करने का भी जरूरत नहीं है. इस मच इजियर बहुत आराम से कर सकते हैं. तो हमें करना है ये दर्शन, और जो दर्शन करवाने का जिनको जिम्मेदारी दिया गया है उनको भी करवाना है. दोनों का काम करना है. ठीक है ये बात. इसको तो मैं लेके नहीं आ सकता हूं. कैन यू सी एट लीस्ट सम ऑफ देम? कुछ लोग आ जाओ, यहां पे दो तीन लोग आ जाओ. जो लोग अपना जीवन में सत्य बोलते होंगे केवल वही आ क्योंकि आप जो बोलोगे बाकी सब लोग उसको विश्वास करने वाले ऊपर. आप जो बस आप जो बोलोगे ना बाकी सब लोग उसी को यकीन करने वाला है. कैसा रास्ता दिख रहा है भैया? अब ये देखो गुजरात जी का किधर बात है. सामने देखो कैसा है, माइक लेकर के बताओ सबको कैसा रास्ता दिख रहा है. एक जगह पेंट किया है जैसा बॉटल में पेंट किया था वैसा है? नहीं. कैसा पेंट है? कर्व है, सर्कुलर आर्क जैसा है. देखो भाई सब लोग देखो, ये पानी में या जो भी लिक्विड है उसमें जो रास्ता दिख रहा है लाइट का, सर्कुलर बेंड है. उधर घूम करके सबको बताओ, सर्कुलर बेंड है. और ऐसा चल रहा है लाइट, ऐसा चल रहा है, ग्रेजुअली बेंड हो रहा है और फिर वापस नीचे आ रहा है. पहले ऊपर चढ़ रहा है, जो ग्रेजुअली बेंड होकर के नीचे आ रहा है. नॉट गोइंग स्ट्रेट लाइन. गेस करो क्या रखे हैं बीकर में? आप लोग पहले गेस करो बीकर में क्या रखे हैं, इसमें क्या रखे हैं? ग्लिसरीन. ग्लिसरीन में लाइट बेंट पाथ में चलता है, सर्कुलर पाथ में चलता है. पानी में स्ट्रेट लाइन में चलता है, हवा में स्ट्रेट लाइन में चलता है, ग्लिसरीन में बेंट पाथ में चलता है. मिक्सर में बेंट पाथ में चलता है. डेंसिटी दोनों तरफ अलग अलग है. तो हवा का तो डेंसिटी अलग था, पानी का तो डेंसिटी अलग था. तो हवा में से पानी में ले गए थे तो एक शार्प बेंट आया था, एक जगह एंगल बना था. अभी क्या हो गया है? क्या कह रहा है? एंगल इज सो हाई. चलो अभी इसका बात करेंगे, बट आप लोग यहाँ है एक काम और करना है. लेट्स कम बैक टू द ओरिजिनल लेकर. अभी इसके बारे में हम बताएंगे आपको. एक आप ऊपर से देखना है इसमें, ठीक है, और आप इधर साइड से देखना है. मैं लाइट डाल रहा हूं. किसको अच्छा दिखाया? खूब अच्छा दिखाई पड़ रहा है क्या लाइट?
आपको और अच्छा हो रहा है तो बताना, खराब हो गया? खराब हो गया कि अच्छा हो गया? पहले से अच्छा हो गया। जैसे माइक का है, बोलो कैसा हो गया? कैसा हो गया? एक ही लाइट को दोनों देखा है। अब वो नहीं है कि उनके पास जा रहे थे इधर से मार रहे तो उधर जा रहे हैं, उधर से मार रहे, नहीं एक ही लाइट मार रहे हैं हम। एक देख के बोल रहा है पहले से अच्छा हो गया, एक देख के बोल रहा है पहले से खराब हो गया। फिर से देखना, इधर इधर से देखना, पहले इधर से देखो, तुम ऊपर अभी कैसा है, खराब हो रहा है कि अच्छा हो रहा है? खराब हो रहा है। बेटर देखो, ये बोलता है, ये बोलती है खराब, ये बोलती है खराब और ये बोलती है बेटर। चलो थैंक यू। अभी धोनी ने दो रंगा कुछ नहीं किया है, सेम बीम जा रहा है पानी में से, सेम बीम जा रहा है, एक ऊपर से देख रहे हैं और एक साइड से देख रहे हैं। लेजर बीम दिखाई पड़ रहा है, लाल रंग का रास्ता दिखाई पड़ रहा है। ऊपर वाले जब बोलते हैं बेटर तो उधर वाले बोलते हैं खराब, जब उधर वाले बोलेंगे बेटर तो इधर वाले बोलेंगे खराब। दो काम हो गए ना, दोनों का अलग अलग ग्राफ आपको बताते हैं। इसमें तो पहले गेस करना है अपने को कि क्या हो रहा है। इसमें जो लाइट जा रहा है वो एकदम ऐसे सर्कुलर बेंड हो रहा है, हाँ? तो आप लगान फिल्म देखे, लगान फिल्म देखे, कौन खेलता है क्रिकेट? आमिर खान खेलता है, और भी लोग खेलते हैं ना, पहले कौन खेलता है? पहले ब्रिटिश वाले लोग खेलते हैं, और आमिर खान और उसके जो चार पांच दोस्त लोग होते हैं वो जाकर के झाड़ी के पास में बैठ करके खेल देखते हैं, और जब वो अंपायर ऐसा उंगली उठाता है तो ये चारों पांचों लोग क्या करते हैं, याद है, आसमान में देखते हैं वो लोग, आसमान में उंगली क्या देख रहा है वो कोई कैच कर लेता है तो इधर मुंह लटका करके वापस चला जाता है, फिर ऐसा दौड़ता है वैसा दौड़ता है। आमिर खान टीम को क्रिकेट का कोई भी रूल पता नहीं, वो क्या देखता है, लोग क्या कर रहे हैं, उस रूल के अनुसार लोग कुछ कर रहे हैं, और रूल के अनुसार जो कर रहे हैं उसको देख करके उसका टीम रूल सीख रहा है अपने आप से, वो अच्छा 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 ऐसा जब कैच हो जाता है तो आउट हो जाता है, अच्छा जब अंपायर अंगुली उठाता है तो इसका मतलब ये गया, अब पैर में लग गया तो अच्छा आउट हो जाता है, अच्छा इतना बार दौड़ने से इतना दौड़ बनता है, होता है ना। आपको हमने दिखलाया है, ये खेला दिखलाया है, लाइट गोज इन सर्कुलर पाथ और नियरली सर्कुलर पाथ और सर्कुलर लुकिंग पाथ, आई डोंट नो वेदर इट सर्कुलर और सर्कुलर और नॉट, बट इट सर्कुलर लुकिंग पाथ, ये आपको हमने खेला दिखला दिया। नाउ यू गेस द रूल, क्या हुआ अंदर में, क्या था ये सर्कुलर पाथ में क्यों गया है, व्हाट वाज देयर इन द टेलीविजन? देखो जब एयर और वाटर था तो देयर वाज शार्प शार्प बेंड एट द इंटरफेस, राइट, है ना। अभी शार्प बेंड नहीं है, यहाँ भी बेंड है, फिर 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 यहाँ भी बेंड है, ग्रेजुअल बेंड है। इसका मतलब जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेजुअली चेंज कर रहा है, ग्रेजुअली चेंज कर रहा है, इट्स नॉट डिस्क्रीटली चेंज। डिस्क्रीटली चेंज होता तो एक ऐसा एंगल बनता, ओके, बट इट्स ग्रेजुअली द स्लोप इज चेंजिंग। कैसे क्रिएट किया मैंने इसके दिकर के अंदर में, आपने देखा होगा बिफोर आई स्टार्टेड मैं कुछ कर रहा था ना यहाँ पे बैठ करके, फर्स्ट आई टुक अ सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन इन द बॉटम, ये यहाँ पे ये जो नीचे आप देख रहे हैं ना ये इतना ये सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन है, उसके ऊपर में एकदम ड्रॉप ड्रॉप इस दीवार से सटा करके पानी बूंद बूंद करके धीरे धीरे उस सॉल्ट सॉल्यूशन के ऊपर में उसको बिठा दिया, राइट, विच इज हेवियर, डेंसिटी किसका ज्यादा है, सॉल्ट सॉल्यूशन का, तो इस कारण से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट है। ऊपर में हमने पानी डाला
try if I can bring it there. Do you believe जो ये लोग बोला था? हाँ? जो बोला उस पे यकीन कर लिया? इन लोगों ने जो बोला उस पे यकीन कर लिया? करना चाहिए. हिंदुस्तान में हम लोग यकीन बहुत करते हैं. लोगों पे बहुत यकीन करते हैं. हमारे हिंदुस्तान के लोग बहुत अच्छे, झूठ नहीं बोलते. ये जो कैसा बात है? अब कैसा हो गया? किन्नीसी? किन्नीसी? टर्न कीजिए. ये देखो, ठीक है? ये देखो, ठीक है? बेंट करता है वो, ठीक है? ठीक है ना? वो ज़्यादा देर में टर्न नहीं होगा, दोबारा इसे फ्लिप से ना. और ये देखो क्या हो गया, फर्क हो गया. तो जो हमने ड्रॉप ड्रॉप करके ऊपर में ठंडा पानी, साधारण पानी डाला बिना नमक वाला, उसका लेयर सेपरेट हुआ. और जो उसका इंटरफेस है वहां पे धीरे धीरे डिफ्यूजन हो रहा है. मैं मिला दूंगा अभी तो सबका एक जैसा हो जाएगा. धीरे धीरे डिफ्यूजन हो रहा है. तो नीचे में ज्यादा कंसेंट्रेशन है, उसके ऊपर उससे कम, उसके ऊपर उससे कम, उसके ऊपर उससे कम. तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेजुअली चेंजिंग. ठीक है सर? Can you see? Can you see? है ना? तो आप देखो, पता कैसे है लाइट का क्या कर रहा है वो, छोटा रास्ता बड़ा रास्ता, थोड़ा टाइम ज्यादा टाइम, यहां से उसको यहां जाना है, राइट? यहां से उसको यहां पर जाना है. हाँ, लाइट दे दो. यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर. स्पीड का क्या है? स्पीड नीचे में, नीचे में स्पीड कम की ज्यादा कम कम की लेस, स्पीड लेस. स्पीड लेस मतलब विदाउट स्पीड में. यहां पे स्पीड मोर, ठीक है? अगर स्ट्रेट लाइन में जाता तो ये, इसको ये रास्ता लेना चाहिए था. कौन सा लगाऊं? ब्लैक. अब इसको ये रास्ता लेना पड़ता. ये थोड़ा ऊपर से जाता है, देखो थोड़ा ऊपर से जाता है, ऐसा होकर के जाता है. इस रास्ता में, ब्लैक वाला में और रेड वाला में किसमें स्पीड ज्यादा है? रेड वाले में ज्यादा है ना, बिकॉज यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, स्पीड ज्यादा है. तो टाइम बचेगा ना, अगर ज्यादा स्पीड वाले में चलोगे तो थोड़ा ज्यादा भी लंबा रास्ता लेना पड़े. लेकिन हाई स्पीड में मेरा गाड़ी अगर चल सकता है तो टाइम बचेगा, नहीं बचेगा? दैट्स व्हाट इट इज डूइंग. दैट इज व्हाई इट इज बेंडिंग लाइक दैट. राइट, इट इज गोइंग, नॉट गोइंग स्ट्रेट. ठीक है?